हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारी और आपके ऑनली टेक इंफो चैनल पर। आज का इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, जब आप जियो मीट अकाउंट बनाया था तो उसमें आप पासवर्ड दिया था, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं उसमें जो आप पासवर्ड दिया था उस पासवर्ड को आप चेंज करके एक नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं तो किस तरह बना सकते हैं, इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पासवर्ड चेंज करके एक नया पासवर्ड किस तरह बना सकते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो जैसे आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपका सामने इस तरह आपको देखने को मिलता है, तो ठीक है। तो देखने के बाद देखिए आपका इधर शो हो रहा है, तो देखिए सेटिंग। तो पहले आपको सेटिंग पर चला जाना पड़ेगा। जैसे आप सेटिंग पर चला जाते हैं तो सेटिंग पर चला जाने के बाद देखिए आपका सामने इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो आपका नाम आ रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए आपका जो प्रोफाइल शो करेगा, ठीक है। तो शो करने के बाद देखिए आपका सामने इस तरह आ रहा है। अगर आप चाहते प्रोफाइल फ़ोटो को सेंस करना तो इसमें कर सकते हैं। डिस्प्ले नेम, आपका जो नेम है वो भी सेंस कर सकते हैं। आप मेरे को अभी करना है पासवर्ड चेंज, ठीक है। तो किस तरह पासवर्ड चेंज कर सकते हैं तो इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अपडेट पासवर्ड को आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप अपडेट पासवर्ड को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए आपका सामने इस तरह शो हो रहा है अभी, ठीक है। तो देखिए अभी इधर में लिखा आ रहा है कि जे ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। तो ओल्ड पासवर्ड आ रहा है जब आप अकाउंट बनाया था, ठीक है। तो उसमें जो आप पासवर्ड बनाया था, जो पासवर्ड आपने इसमें दिया था, वही पासवर्ड आपको इसमें देने पड़ेगा। तो मेरा जो पहले अकाउंट बनाया था उसमें पासवर्ड मैं दिया था, तो मैं वही पासवर्ड में अभी इसमें देने वाला हूँ। तो ओल्ड पासवर्ड देने के बाद देखिए अभी न्यू पासवर्ड, अब नया पासवर्ड आप क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो मिनिमम आपको एक कैरेक्टर देना पड़ेगा, उसमें आपको कैपिटल देना पड़ेगा, स्मॉल देना पड़ेगा और स्पेशल कैरेक्टर भी देना पड़ेगा, तभी आपका जो पासवर्ड है एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो किस तरह बनाना पड़ता है तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो मैं अभी मिनिमम 8 कैरेक्टर मैं अभी देने वाला हूँ। तो मैं अभी देने वाला हूँ एक्स पी एम। अभी मैं छोटा स्मॉल देने वाला हूँ एम पी। तो देने के बाद देखिए अभी मैं नंबर भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो स्मॉल कैपिटल इस तरह देने के बाद देखिए अभी नंबर देने वाला हूँ 1 2। अब मैं स्पेशल कैरेक्टर में अभी देने वाला हूँ, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर में अभी दिया, ठीक है। तो फिर से मैं वही आपको देने वाला हूँ जो मैंने न्यू पासवर्ड में दिया, वही पासवर्ड में फिर से देने वाला हूँ इसमें। तो मैंने जो पहला वाला दिया था तो वही वाला मैं इसमें देने वाला हूँ। तो सब कुछ पासवर्ड देने के बाद आप देख रहे ऊपर सेव, ठीक है। तो सेव पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो इस तरह आता है। तो इस तरह आने के बाद देखिए अभी इसमें कह रहा है, जैसे आप ओके करते हैं तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड देकर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो आपको उसको ओके कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे ओके करते हैं देखिए अभी देखिए पासवर्ड चेंज हो गया। तो इस तरह आपका पासवर्ड इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए साइन इन करने वाला अभी, तो देखिए आपका जो ईमेल एड्रेस है तो इसमें दीजिएगा। तो इस तरह देने के बाद आपका जो पासवर्ड, अभी जो पासवर्ड आप बनाया था तो वही पासवर्ड आपको इसमें देना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हुआ है कि नहीं, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह देने के बाद देखिए अब मैं अभी साइन इन करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए साइन इन करने के बाद देखिए अभी सब कुछ हो गया है। तो इस तरह आपका जो पासवर्ड है तो इस तरह आप चेंज करके एक नया पासवर्ड आप इस तरह बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इन चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।